यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। महिला तारोबाई की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी को काबू कर लिया है। पुलिस अनुसार महिला की हत्या उसके ही भतीजे ने घंडासी मारकर की थी। आरोपी मृतक महिला से किसी बात को लेकर रंजिश रखता था, इसलिए उसने महिला के सिर पर घंडासी से वार कर उसकी हत्या कर दी। गौरतलब है कि बीती 10 सितंबर को वार्ड 10 की रहने वाली 63 वर्षीय तारोबाई अपने भतीजे श्यामदास के साथ पशु चराने के लिए गई थी। देर शाम महिला नहीं लौटी तो परिजनों ने महिला की तलाश शुरू कर दी। परिजनों की तलाश पर अगले दिन महिला का शव जंगल के अंदर पानी के गड्ढे में बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पुलिस के सामने हत्या की कोई वजह सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने मामले को प्रेस प्रसंग के एंगल से जांचा तो मामले में परत दर परते खुलती चली गई। पुलिस अनुसार हत्यारोपी श्यामदास मृतक महिला के पुत्र वधु से प्रेम करता था, जो मृतक महिला ने कई दफा उन लोगों को आपत्तिजनक हालात में देख लिया था, जिस पर मृतक महिला ने आरोपियों को मजा चकाने की बात कही थी। इसी बात से हत्यारोपी श्यामदास अपनी चाची से रंजिश रखता था, जो वारदात के दिन मृतक महिला दास श्यामदास के साथ पशु चराने के लिए जंगल में गई तो श्यामदास ने मौका पाकर उसके सिर पर घंडासी से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को इंद्री से गिरफ्तार कर उसे एक दिन के रिमांड पर लिया है, जो पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई घंडासी भी बरामद की है। ये 10 तारीख को आरोपी वाइफ को डेड बॉडी मिली थी यहाँ जंगल में इंद्री के पास, जो उसके बाद पुलिस ने तलाश की तो पता लगा कि इसकी हत्या की गई है। और श्यामदास पप्पूराम बोर्ड राजपूत जो मरने वाली का भतीजा लगता है उसने इसको मारा। उसने इकबाल किया भी, हाँ मैंने इसकी हत्या किया, मैं इससे कोई रंजिश नहीं करता हूँ। और आरोपी ने अपनी जिस हथियार से इसकी हत्या की है वो भी बरामद करवाया, और उस दिन जो कपड़े पहने हुए थे जिस दिन उसकी हत्या की वो कपड़े बरामद कराए। और आज इसको कल इसको अदालत में पेश करके एक दिन का रिमांड पुलिस लिया था और आज फिर पेश कर रहे हैं अदालत में और इसको जुडिशल जेल छोड़ रहे हैं। जो भी नाम आएगा सामने तब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो नाम आएगा पूछताछ की जाए। इसने पहले अपने ससुर को मारा था पानीपत में, ये चांदनी बाग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था इसके खिलाफ 241 नंबर, उसमें भी करीब 1.5 साल के करीब जेल में रह गया था। तो मैं ये मेरे से कोई रंजिश रखती थी, गंडासी से मारा सिर में गंडासी मारी है तो अकेला गिरफ्तार हुआ है। अभी तब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे भी आगे किसी का नाम आएगा तो उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।